हाय एवरी मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बी के सी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं आज हम सभी देखेंगे प्रथम श्रेणी के भवन के साधारण विशिष्टियाँ इससे पहले हमने पढ़ा था निर्माण विशिष्टियाँ क्या होती हैं तथा निर्माण विशिष्टियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं जिसमें एक साधारण विशिष्टियाँ बताया गया था और दूसरा हमारा जा जो था वह था विस्तृत विशिष्टियाँ तो ये दो प्रकार की विशिष्टियाँ बताई गई थी तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है प्रथम श्रेणी के भवन के लिए यानी प्रथम श्रेणी का भवन हो तो उसकी विशिष्टियाँ जो लिखी जाएंगी वह किस किस प्रकार से होंगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा खुदाई की जो भी मृदा खुदाई की जाती है अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो भवन के लिए किया जा रहा है अगर भवन के लिए मृदा खुदाई का कार्य किया जाता है तो जो भवन बनाए जाते हैं वह एक निश्चित माप में बनाए जाएंगे तो यहाँ पे जो खुदाई कार्य किया जाएगा वह भी हमारा एक निश्चित माप में ही किया जाएगा लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं खुदाई की मृदा खुदाई तो जो मृदा खुदाई की जाएगी यह मृदा खुदाई दो प्रकार से किया जा सकता है पहला हमारा होगा सतही खुदाई दूसरा हमारा होगा गहरी खुदाई सतही खुदाई या गहरी खुदाई अब यह कैसे पता चलेगा कि जो खुदाई की जा रही है वह हमारा सतही है या फिर गहरी खुदाई है तो इसके लिए एक मानक माना जाता है तीस सेंटीमीटर जिस भी स्थान पर खुदाई कार्य किया जा रहा है वह खुदाई कार्य तीस सेंटीमीटर तक की गहराई पे ही करते हैं या तीस सेंटीमीटर से कम गहराई तक की जाती है तो वह हमारा सतही खुदाई कहलाता है लेकिन यही खुदाई यदि तीस सेंटीमीटर से अधिक करते हैं तो वह हमारा गहरी खुदाई कहलाएगा गहरी खुदाई कहलाएगा कि इस बार जो परीक्षा होना है उसमें वह विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन ऐसा कहा जा सकता है कि सतही खुदाई होती है सतही खुदाई होती है नंबर एक बीस सेंटीमीटर से कम दो तीस सेंटीमीटर से कम तीसरा विकल्प होगा बीस से अधिक चौथा होगा तीस से अधिक इसमें से कोई एक विकल्प चुनना होगा तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि यदि तीस सेंटीमीटर से कम खुदाई की जाती है तो वह सतही होगी और 30 सेंटीमीटर से अधिक खुदाई करते हैं तो वह हमारा गहरी खुदाई कहलाएगी इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं न्यू में कंक्रीट कार्य तो जो न्यू में कंक्रीट कार्य किया जाएगा यहाँ पे हमारा सादा कंक्रीट या प्रबलित कंक्रीट हो सकता है सादा या फिर प्रबलित कंक्रीट हो सकता है दोनों में अंतर क्या है कंक्रीट में इस्पात को भी डाल दिया जाता है तो वह हमारा प्रबलित कंक्रीट होगा या प्रबलन किया जा रहा है तो प्रबलित कंक्रीट होगा और प्रबलन नहीं किया जा रहा है तो वह हमारा सादा कंक्रीट होगा अब न्यू में कंक्रीट की बात की जा रही है तो यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट प्रयोग में लाया जा सकता है या फिर चूना कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट या चूना कंक्रीट प्रयोग में लाया जा सकता है जो चूना कंक्रीट प्रयोग में लाते हैं तो यह चूना कंक्रीट हमारा सिर्फ दो ही ग्रेडों में उपलब्ध होता है सोलह बत्तीस सौ सो का एक अनुपात होता है एक ग्रेड ए होता है दूसरा जो ग्रेड हमारा चूना कंक्रीट का होता है वह अट्ठारह छत्तीस और सौ सोलह बत्तीस सौ और अट्ठारह छत्तीस सौ दो ही ग्रेडों में बनाया जाता है इसमें कहा जा सकता है कि चूना कंक्रीट के ग्रेड होते हैं एक प्रकार के दो प्रकार के तीन प्रकार के चार प्रकार के तो इसमें से आपको दो प्रकार के चुनने होंगे अगर सीमेंट कंक्रीट की बात किया जाए तो जो सीमेंट कंक्रीट होता है वह भी कई ग्रेडों में बनाए जाते हैं एम फाइव एम साढ़े सात एम टेन एम पंद्रह एम बीस एम पच्चीस एम तीस पैंतीस चालीस पैंतालीस पचास पचपन साठ पैंसठ सत्तर पचहत्तर और अस्सी एम अस्सी तक के बनाए जाते हैं तो ये हमारे ग्रेड हो जाएंगे ये सारे कितने ग्रेड हुए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह जो भी हमारे ग्रेड होंगे एम फाइव से लेकर के और एम अस्सी तक के ग्रेड के, के कंक्रीट बनाए जाते हैं तो ये हो गया दूसरा इसमें पूछा जा सकता है कि इस प्रकार से अनुपात दिया गया हो एक दो चार या किस ग्रेड का कंक्रीट का अनुपात है या ऐसा भी हो सकता है कि लिखा जाए यम पंद्रह ग्रेड के कंक्रीट का अनुपात क्या है तो हमारा एक दो चार हो जाएगा अब हम बात करते हैं न्यू में ईट चिनाई अब यहाँ पे जो ईंट चिनाई किया जाएगा वह हमारा ईंट प्रयोग किया गया और मसाला ईंट और मसाला प्रयोग करके ईंट चिनाई किया गया जो ईंट हमारा होगा यह प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी तीन श्रेणियों में मिलेगा चूँकि प्रथम श्रेणी का भवन है तो यहाँ पे जो ईंट प्रयोग किए जाएंगे, प्रथम श्रेणी के प्रयोग किए जाएंगे मसाला की बात किया जाए तो हमारा सीमेंट बालू हो जाएगा या फिर चूना के साथ सुरखी राख धातुमल ये सारे मिला दिए जाएंगे यानी जो भी मसाला तैयार किया जाएगा वह हमारा सीमेंट मसाला होगा और या फिर चूना मसाला होगा तो इनके साथ इसकी चिनाई की जाएगी इसके बाद हम बात करते हैं कुर्सी तल की तो जब न्यू से लेकर के चिनाई करते हुए भवन के प्लिंथ लेवल कुर्सी तल तक आ जाते हैं तो वहाँ पे सभी दीवारों को आपस में बांध दिया जाता है बांधने के लिए प्लिंथ लेवल पर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट या फिर प्रबलित ईट चिनाई होता है यानी ईंट का प्लिंथ लेवल बनाया जाए तो उसमें भी स्पार डाल दिए जाएंगे या कंक्रीट के बनाए जाते हैं तो उसमें भी स्पार डाल करके उसको परवलित कर दिया जाएगा इसके बाद हमारा होगा सील रोक रद्दा यानी डी कार्य तो जो डी कार्य किया जाता है यह प्लिंथ लेवल यानी जो कुर्सी तल तैयार होता है उसी के ऊपर कुछ सामग्री डाल देते हैं जिसमें जलरोधी कुछ सामग्रियाँ मिलाई जाती हैं और यहाँ पे भी कंक्रीट की एक पतली परत डाल दी जाती है यानी जो हमारा कुर्सी तल होगा उस कुर्सी तल पे जो डीपीसी कार्य किया जाएगा इसकी जो मोटाई होगी यह 20 एम mm से लेकर के और 40 एम mm तक होगा अब यहाँ पूछा जा सकता है कि डीपीसी की मोटाई क्या होती है तो हमारा 20 से 40 एम होगा इसके बाद इसमें जो कंक्रीट डाली जाएगी डीपीसी पे वह कम से कम एम पंद्रह ग्रेड का होगा या फिर इससे ऊपर के ग्रेडों का प्रयोग करेंगे जैसे अब कहा गया कि कुर्सी तल पे या डीपीसी कार के लिए निम्न में से कौन सी ग्रेड की कंक्रीट प्रयोग की जाती है उसमें दे दिया गया एम फाइव हो गया एम टेन हो गया फाइव टेन और साढ़े सात और इसके साथ एक चौथा हो गया पंद्रह तो यहाँ पे एम पंद्रह या फिर इससे ऊपर ग्रेड का अब जब एम पंद्रह होगा तो यहाँ पे कंक्रीट की एक पतली परत, जैसे अगर कहा जाए कि दीवार हमारा इस प्रकार से है कुर्सी तल बनाया गया तो पूरे सतह पे बीस से ले करके और चालीस एम एम मोटाई में, में इस पर एक कंक्रीट की पतली परत बिछा दी जाएगी उस पतली परत के ऊपर क्या करेंगे कि विटमिन का छिड़काव किया जाएगा विटमन का छिड़काव किया जाएगा और जो यह छिड़काव किया जाता है यह छिड़काव एक केजी प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से करते हैं यानी एक मीटर स्क्वायर एरिया पे बिटमिन को फैलाना है तो उसके लिए एक के मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी सिंगल कोट के लिए लेकिन अगर एक ही मीटर स्क्वायर में बिटमिन की मात्रा को दो बार फैलाना हो जैसे अगर कहा जाए कि चूना कार्य किया जाता है दीवार पे चूना मारा जाता है तो एक बार सफ़ेदी कर दी गई उसी के ऊपर दोबारा से सफ़ेदी की जाती है वो ऐसे यहाँ पे भी किया जाएगा कि एक बार बिटमिन की परत पूरे सतह पे बिछा दी जाएगी तो एक कोट ही हमारा हो जाएगा दूसरी कोट के लिए भी यदि बिटमिन को बिछाया जाता है तो दूसरी कोट के लिए जीरो पॉइंट सेवन के जी प्रति मीटर स्क्वायर पे प्रयोग करते हैं या अगर कहा जाए कि बिटमिन की दोहरी कोट प्रयोग की जाती है तो इसके लिए वन पॉइंट सेवन के जी प्रति मीटर स्क्वायर एरिया पे प्रयोग में लाया जाता है और जब भी बिटमिन का लेपन कर दिया जाता है तो उसके सतह पे बालों का छिड़काव कर दिया जाता है और इस कुर्सी तल पे जो सीमेंट प्रयोग की जाएगी प्रति बोरी प्रति बोरी सीमेंट के हिसाब से एक केजी जल रोधी पदार्थ भी उसमें मिला लिए जाएंगे इसके बाद हमारा होगा दीवाल या अधिरचना में चिनाई कार्य तो यहाँ पे जो हमारा न्यूमेट ईंट चिनाई कार्य होगा ऐसे यहाँ पे भी ईंट चिनाई कार्य कर लिया जाएगा यानी दीवाल होगा अधिरचना होगा तो प्रथम श्रेणी का ईट प्रयोग करेंगे क्योंकि प्रथम श्रेणी की भवन की बात हो रही है सीमेंट मसाला प्रयोग करेंगे सीमेंट मसाला एक अनुपातें दो से लेकर के एक अनुपात छः तक बनाया जाता है तो इस अनुपात में से किसी भी एक उपयुक्त अनुपात को ले करके और हम चिनाई कार्य कर लेंगे इसके बाद हमारा होगा आर सी सी कार्य तो आर सी सी कार्य होता है तो यहाँ पे भी अगर प्रबलित कंक्रीट कंक्रीट का छत बनाया जाए या फिर हमारा बनाया जाए पर प्रवलित छत तो यहाँ पे आर सी सी कहा गया है तो यहाँ पे जो छत बनाया गया है वो कंक्रीट का बनाया गया है तो कंक्रीट की जो छत बनाई गई है इसमें इस्पात भी प्रयोग कर लिया गया है और जो भी इस्पात छत के लिए प्रयोग करेंगे मुख्य छड़ों के रूप में उसका व्यास दस एम एम से लेकर के और पचास एम एम तक होता है इसी के बीच का छड़ ले करके इस बात को या कह सकते हैं कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए प्रयोग में लाएंगे साथ ही साथ इन छड़ों का जाल बनाने के बाद इसको बांधने के लिए हम क्या करते हैं कि बाइंडिंग वायर लेते हैं जो कि हमारा एक केजी में लगभग वन कुंतल वन कुंटल इस बात को बांध सकता है इसके बाद हम बात करते हैं फर्श कार की तो जब फर्श बनाया जाता है तो जो हमारी दीवार होगी तो यहाँ पे सबसे पहले मृदा का भराव किया गया बालू का भराव किया गया और फिर इसके ऊपर यहाँ पे साढ़े सात सेंटीमीटर में यहाँ पे सात दशमलव पाँच सेंटीमीटर में क्या करेंगे कि ईंट के टुकड़े डाल करके उसकी अच्छे प्रकार से कुटाई कर दी जाती है इसके बाद इसके ऊपर ढाई सेंटीमीटर यानी पच्चीस एम एम में क्या किया जाएगा कि सीमेंट का मसाला तैयार करके और इसके सतह का फिनिशिंग किया जाएगा इसके बाद भी अगर चाहें तो इसके ऊपर फिर किसी प्रकार की टाइल टाइल्स भी प्रयोग में ला सकते हैं इसके बाद अगर बात किया जाए तो दरवाज़ा और खिड़की तो जो दरवाजे और खिड़की होंगे ये हमारे लकड़ी के या इस्पात के बनाए जाएंगे जो भी हमारे माप होंगे उन माप के अनुसार हम लकड़ी के या इस्पात के खिड़की और दरवाजे दीवालों पे फिक्स कर लेंगे अब जो हमारा डोर होगा मानक डोर वह हमारा 1.2 मीटर इंटू टू मीटर माप में होता है ऐसे खिड़की की बात किया जाए तो 1.2 मीटर गुड़े वन मीटर होता है लेकिन जो कमरे का क्षेत्रफल होता है उस कमरे के क्षेत्रफल का एक बटे दस गुना हमारा खिड़की का क्षेत्रफल होना चाहिए या फिर इससे कम रहे समापन की बात किया जाए समापन कार्य जब हमारा भवन बन कर के तैयार हो जाता है तो इसकी जो दीवारें होंगी अंदर बाहर वाले इन पे क्या किया जाएगा सतहों पे प्लास्टर कार्य किया जाएगा तो यहाँ पे अंदर बाहर के तरफ प्लास्टर कार्य कर लिया जाएगा प्लास्टर के लिए भी वन रेशियो टू से वन रेशियो सिक्स का मसाला तैयार करते हैं और आवश्यकता के अनुसार अंदर बाहर के फलकों पे प्लास्टर कार्य कर दिया जाता है इसके बाद है हमारा विविध कार्य तो विविध कार्य में क्या होगा कि जब हमारा भवन बन करके तैयार होगा तो उसमें स्वच्छता फिटिंग स्वच्छता फिटिंग विद्युत फिटिंग साथ ही साथ जल संभरण की व्यवस्था आदि इन सब व्यवस्थाओं को भी भवन के अंदर गणना में लिया जाता है तो विविध कार्य में स्वच्छता कार्य हो जाएगा जैसे कह सकते हैं टोटी लगाई गई पानी के लिए पानी सप्लाई के लिए जल निकासी के लिए व्यवस्था बनाई गई विद्युत का प्रकाश के लिए अन्य किसी कार्य के लिए विद्युतीकरण किया गया भवन का तो ये सारे कार्य जो हमारे होते हैं वह विविध भी कार्य के अंतर्गत आते हैं अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद